वर्ल्ड फेमस सिंगर रिहाना हुई थी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। हाँ, 2009 के शुरुआत में उसकी नेटवर्थ थी 55 करोड़, और 2009 के एंड तक वो बैंकरप्सी के बहुत करीब आ चुकी थी। लेकिन कैसे? रिहाना के एडवाइजर बेल्डन एलएलपी ने उन्हें एक मेंशन खरीदने का सुझाव दिया जिसकी प्राइस थी 40 करोड़ रुपए। लेकिन बाद में रिहाना को पता चला कि उस मेंशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसके चलते उसने डिसाइड किया कि उस मेंशन को बेचना है। लेकिन खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। बाद में उसे उस मेंशन को बेचना पड़ा सिर्फ 30 करोड़ में, यानी 10 करोड़ के घाटे में। ऐसे ही बेल्डन एलएलपी ने दी हुई फाइनेंशियल एडवाइजेज रिहाना के लिए बहुत ही खराब साबित हुई, और इसमें रिहाना को बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी हुए। फिर 2012 में रिहाना ने बेल्डन एलएलपी पर केस फाइल किया कि उन्होंने मुझे गलत फाइनेंशियल एडवाइसेस दिए हैं। 2014 में रिहाना ने केस जीता और उसमें उसे 50 करोड़ रुपए भी मिल गए। तो किसी के भी फाइनेंशियल एडवाइस को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, खुद रिसर्च करें और कन्वे को सब्सक्राइब करें।